जी तो हर कोई रहा है, लेकिन जिंदा वही है जो अपने जिंदगी से लड़ रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी अंधेरे में एक चिंगारी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी है नीलम भारद्वाज जी की, जो रायपुर के तेलीबांधा में रहती। बचपन से ही इनके राह में कठिनाइयां पहाड़ बनकर खड़ी रही, लेकिन इन्होंने अपने हिम्मत अपनी काबिलियत से सारी चुनौतियों को पार किया और चित्रकला में पारंगत होकर इन्होंने एक अलग ख्याति प्राप्त। समाज में इनका नाम हुआ, इन्होंने अपना स्कूल खोला और लोगों को चित्रकला की विद्या देना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सारा कारवां रुक गया। नीलम भारद्वाज जी के आंखों के रेटिना में प्रॉब्लम आ गया। आंखों का जो पर्दा होता है उसमें प्रॉब्लम था। इसका मतलब कि आने वाले टाइम में नीलम जी अब बिल्कुल नहीं देखने वाली थी, मतलब उनकी रोशनी जाने वाली थी। नीलम जी डर गई। नीलम जी ने जिंदगी में कभी हार नहीं माना और वह अपनी रोशनी को चिंता नहीं देख सकती। कहते हैं ना, जहां चाह होता है वहीं राह होता है। नीलम जी ने अपने समस्या का उपाय निकाला। नीलम जी पहुंची श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर जयस पाटिल, जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, आंखों के पर्दों के विशेषज्ञ हैं, उनसे नीलम जी मिली। नीलम जी का जो रिपोर्ट आया वो एकदम चौंकाने वाला था। एकदम कहते हैं कि जो रेटिना था वो बहुत ही डैमेज हो चुका था। लेकिन जय सर ने उन्हें एक उम्मीद दी, उन्हें एक रोशनी दी, कहा कि आपका 40-50% रिकवर हो जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। डॉक्टर जय सर ने उनका सर्जरी किया। जो रिजल्ट आया वो मैं नहीं बता सकता। मेरे आई बहुत रिकवर हो गया, मतलब सर ने जो बोले थे उससे भी ज़्यादा हुआ है। मुझे फील हो रहा है ये कि सर ने मुझे 40-60% बोले थे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो 80% रिकवर हो चुका है। और कहते हैं ना, हर कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है, और एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं। नीलम जी ऑपरेशन के बाद सर से इतना प्रभावित हुई, इतनी खुश हुई कि उन्होंने सर की गुणवत्ता को, सर की छाया को चित्रकला के माध्यम से एक पेपर पर उतार दिया और जय सर को भेंट किया। हम सैल्यूट करते हैं नीलम जी को, हम सैल्यूट करते हैं डॉक्टर जयस पाटिल को। आज बस इतना ही। रोशनी और भी बहुत सारी कहानियों को लेकर आएगा, जो लोगों के ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं।